महानगर में बुधवार को अन्य जनपदों और अन्य राज्यों के फंसे यात्रियों के पास बनवाने की कतार लगी रही। इस संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जो लोग अन्य राज्यों के यात्री महानगर में फंसे हैं, अगर वह अपने घर जाना चाहते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ होम के गाइडलाइन के अनुसार उनके लिए वन टाइम पास जारी किया जाएगा, जिससे कि वो लोग अन्य राज्य में पहुँच सकें। और जो लोग उत्तर प्रदेश के जनपदों के हैं, ऐसे लोग ऑनलाइन आवेदन करके पास बनवा सकते हैं, उसके लिए भी वन टाइम पास जारी किया जा रहा है। अगर एक जिले के 25 लोग हैं तो उनके जनपद पहुंचने के लिए बस की व्यवस्था कर दी जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, तो वो हम आपको फिर से आपको आने की जरूरत नहीं होगी, आपको हम व्हाट्सएप कर देंगे, ठीक है। अगर किसी के पास अपनी गाड़ी नहीं है, उसके लिए ये व्यवस्था है कि यदि आप एक बस भर की आपकी संख्या बन जाती है, एक बस में 25 से 30 लोग आएंगे, तो अगर आप 25 लोग हो जाते हैं उसकी सूचना अगर हमें देंगे, तो निर्देश ये किया गया है कि UPSRTC जो हमारे स्टेट का रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, वो हम आपको उनसे बस करवा देंगे। आपको किराया पे करना होगा और आप किराया पे करके हम आपको ट्रांजिट पास जारी कर देंगे। बस का किराया आपको पे करना होगा, आने जाने दोनों का, और बस ले करके आपके स्टेट तक या आपके बॉर्डर तक आपको छोड़ाएगी, जो आप लोग चाहेंगे। बॉर्डर तक भी हम छोड़वा सकते हैं और आपके स्टेट के अंदर तक। ज़्यादा संभावना यही है कि हम आपको आपके बॉर्डर तक छोड़वा देंगे, वहाँ पर जो भी ट्रांजिट कैंप होगा वो हो जाएगा। तो अदर स्टेट के सभी लोगों को क्लियर हो गया, अगर क्लियर हो गया तो आराम से आप लोग बैठें। अभी आपको हम फॉर्मेट अभी आधे घंटे में बन जाएगा, वो फॉर्मेट आपको अवेलेबल करा देंगे। अभी हम बता देते, वो भी आपकी बात मैं समझ गया। आप वहाँ अदर स्टेट से आपको कॉल कर सकें। हर स्टेट को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइन जारी हुई है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, MHA की गाइडलाइन जारी हुई है। उस गाइडलाइन में ये कहा गया है कि हर कलेक्टर साहब अपने यहाँ से जो भी दूसरे स्टेट के लोग हैं उनको इसी भी आज ही नहीं, एक दो दिन में वहाँ से कलेक्टर साहब के ऑफिस में संपर्क करें। यदि आपके पास अपनी गाड़ी होगी तो आपको इसी तरह से अलाउ कर देंगे, वो गाड़ी में आ जाएंगे। यदि वहाँ से अलाउ हो जाता है तो यहाँ से हम गाड़ी भेजने की भी परमिशन दे देंगे, चाहते तो वहाँ के कलेक्टर साहब उसकी अनुमति दे देंगे, ठीक है। तो जिनको अपना उत्तर मिल गया है, कृपा करके वो लोग यहाँ से चले जाएं, जहाँ पे भी है, हम उसकी अनुमति नहीं दे रहे हैं। आपको तेलंगाना से अनुमति लेनी हो कि यहाँ आ जाना, ठीक है। कोई बात नहीं, आप वहीं रहें, दूर रहिए, वहीं रहिए, वहाँ रहिए, दूर रहिए। और सर अपनी गाड़ी लेके जाना, मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, मैं एक एक का उत्तर नहीं दूंगा। तीन प्रकार की बातें हैं, आप वहीं रहिए, सुनाई पड़ेगा। जो अदर स्टेट के लोग हैं वो बैठ जाएं, आप अदर स्टेट से बैठ जाइए, आप कहीं पे बैठ जाएं आराम से, कहीं तखत पे पेड़ के नीचे। मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, जो भी ऐसा व्यक्ति जो अदर स्टेट का है, हमारे जनपद में है, अगर अपने वाहन से जाना चाहता है वो यहाँ बैठ जाए। अभी हम उसको एक प्रोफार्मा अवेलेबल कराएंगे, उस प्रोफार्मा पे अपनी इंफॉर्मेशन भर के दे देगा, तो हम एक ट्रांजिट पास जारी कर देंगे कलेक्टर साहब के अनुमति से, वो अपनी स्टेट जा सकेगा। यदि उनकी संख्या ज़्यादा है, जैसे छत्तीसगढ़ के 40 लोग हैं, यदि छत्तीसगढ़ के वे सभी लोग जाना चाहते हैं, उनको यहाँ से किराए की बस का प्रबंध कर दिया जाएगा, उनको किराए का पैसा देना होगा और वो अपने बॉर्डर तक जा सकेंगे। तीसरे प्रकार के वे लोग हैं जो हमारे यहाँ के लोग हैं, अदर स्टेट में हैं, तो अदर स्टेट में भी वो लोग यही व्यवस्था कर रहे हैं, वहाँ पे भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइन लागू है, वो व्यवस्था करेंगे और वहाँ से आएगा। हम ये परमिशन नहीं देंगे कि कोई व्यक्ति यहाँ से जाए और तेलंगाना से अपने बच्चे को ले आए, इस चौथे प्रकार की व्यवस्था अभी आज नहीं है, उसके लिए 2-3 दिन विचार कर लें। पहले हम अपना जनपद खाली कर लें उन लोगों से जो अदर स्टेट जाने वाले लोग हैं, फिर 2-3 दिन बाद 4 दिन बाद हम इन लोगों को भी एड्रेस कर लेंगे, उनकी समस्याओं का भी निराकरण कराएंगे। हम ऐसे उत्तर नहीं दे पाएंगे, अब आप लोग बैठ लें, हमें आधे घंटे काम करने दें, मेरी बात सुनिए। हो सकता है आप में से 20 लोग, अभी मैं आधे घंटे काम करूं तो 20 लोग छट जाएं ना, ऐसे सभी लोग खड़े रहेंगे। मैं आधे घंटे बाद फिर बाहर आ जाऊंगा, फिर आप लोगों से बात कर लूंगा। आधे घंटे बात कीजिए, ठीक है। हाँ, अब आप लोग बैठ जाइए, आप लोगों से बात कर लूंगा, ले लिया जाए, उनसे मैं बात करूँ। अब आप लोग बैठ जाइए, वो आप लोग बैठ जाइए, थोड़ा सा समय दीजिए जिससे यहाँ भीड़ भाड़ ज्यादा ना हो। एक जिले से दूसरे जिले में दुकान का काम मेरे पास, आप इतनी देर से सुन रहे हो, मैं अभी केवल हमारे पास केवल ये है कि अन्य जनपदों का या अन्य राज्यों के जो लोग हैं उनको है। लड़की की विदाई के लिए परमिशन की आवश्यकता नहीं है, कितने लोग जा रहे हैं?
कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी मैं लिख देता हूँ। जैसे और लोग कर रहे हैं वैसे जी ऑर्डर क्या इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, चीज़ों लोगों को अभी स्पष्ट किया गया है कि अदर स्टेट आपको कैसे जाना है और हमारे स्टेट में किस जनपद में कैसे जाना है, तो अभी लोगों को एक्सप्लेन कर दिया गया है। थोड़ी देर में अभी उनकी व्यवस्थाएं करा दी जाएंगी। जो लोग अदर स्टेट जाना चाहते हैं उनके लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एक गाइडलाइन जारी हुई है, उस गाइडलाइन के तहत ही हम इनका मूवमेंट पास जारी करेंगे और ये अपने स्टेट में जा सकेंगे। सर यहाँ के लोगों के लिए क्या, जो अदर जिले के हैं उनके लिए क्या? नहीं, जो हमारे प्रदेश में ही अदर डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहेंगे उनके लिए ऑनलाइन व्यवस्था है, ऑनलाइन अप्लाई करें, उनको हम वन टाइम पास दे देंगे अपने गृह जनपद जाने के लिए।